किसी की लड़की ऐसी, इतना और बता दो प्यार, हमने अपनी बेटी को जो मोबाइल दिया है क्यों दिया? मोबाइल का के लिए होता है, बात करने के लिए। इसका अलग से कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने इतनी हेल्प की है, इतनी मदद की है? इसका हमारी बेटी का अलग से कौन सा ऐसा रिश्तेदार है कि ले बेटी तू इससे बात करती रही, या इसके बगैर मर जाएगी? बोलो, है किसी का, किसी की बेटी ऐसी? तो यार तीन रोटी खाओ, डेढ़ की अकल तो रखो यार, डेढ़ की। आज जानते हो क्या माहौल हो गया हजरत? मैं बंबई गया और अभी भी जा रहा हूं, तब भी बैंगलोर जा रहा हूं, अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर को मिट जाए हजरत। ये माहौल हो गया है, गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों के साथ भाग रही, और मुसलमानों की लड़की गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही, शहरों में चल रहे हैं। अब एक दूसरे में मुस्लिम गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम मुस्लिम, एक दूसरे में प्यार करने का मतलब यह है, ये कह रहा है हम इत्तेहाद कर रहे हैं प्यार। कई फिल्मों में ऐसा चल रहा है, फिल्मों में देख लिया होगा, वो उधर गैर मुस्लिमों की, वो मुस्लिम प्यार कर रहा है, उनके घर वाले रिश्तेदार सब जूझ जाते हैं, मगर ये प्यार में कामयाब हो जाते हैं। ओ ताली बजा, वही हमारी बेटी देख रही है, वही हमारा बेटा देख रहा है, क्या मां बाप को बुखार आ जाए तो बेटे का ख्याल रखें, कुछ हो जाए बेटी का ख्याल रखें। आज इज्जत में आग लग रही है तो ख्याल नहीं रखता। ऐसे भी हमारे पास हैं, एक बड़े नमाजी, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, इकलौती लड़की हजरत, ना कहीं बाहर जाती थी, ना बाजार में, ना मार्केट में, ना मजार में। अब तो मजार पे भी बड़ी गुंडागर्दी हो रही है, आधा घंटा तो पेशी खेल रही है, उसके बाद आवा में जाकर बात कर रही है, आए नहीं तुम अभी तक, छुपो हुआ कुछ नहीं है बेटा, हंसो या कुछ करो, हक बात है। ऐसा नहीं है, 100 औरतें अगर मजार पे खेल रही है, मुश्किल से 10 होंगी जिन पे कुछ होगा, 90 में कुछ भी नहीं है, ये उनके माँ बाप की गलती है, माँ बाप की। अगर इन बेटियों को मदरसे में भेजा होता तो इसको मालूम होता कि सैयदा फातिमा की बेटी ने ये कहा था जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनके शौहर ने कहा था चलो डॉक्टर को दिखा लो, कहा नहीं मेरे हालात दिखा गए, जाके दवा ले आना, तुम ठीक नहीं हो रही हो, कहा नहीं दवा ले आना, कहा अरे इस्लाम ने इतनी इजाजत तो दी है, मगर ये कहा था इस्लाम ने इतनी इजाजत दी है, मैं क्या करूं, बेटी भी तो मैं फातिमा की हूं। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अल्लाह। जरा सुनो, हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, प्यारे मोबाइल का नुकसान, अब उसकी बेटी ना बाजार में जाती थी, ना मार्केट में जाती थी, कहीं नहीं, सुबह सुबह जोहर की नमाज में, दोपहर में वो आया रोता हुआ, हाथ उछू में बोले हुजूर, हुजूर मेरी बेटी सुबह 5 बजे से गायब है, और जब से गायब हुई है ना तब उससे ही घर में खुशबू आ रही है, खुशबू। मैंने कहा बड़ा अच्छा काम कर रही है, खुशबू आ रही है, उसे औरतों ने पढ़ा दिया था, ऐसी पट्टी औरतें ज्यादा पढ़ाती है कि तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, अच्छे जा, अब जाओ हजरत के पास ताबीज ले लो और जिन्नात छोड़ जाएंगे। बताया यार, अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं काय को कार से आता, सही है साहब के यहाँ जिनके ऊपर बैठता और चलते भोजीपुरा तो याद रहता मुझे, हाँ चलो भोजीपुर कह लेता हूँ, चल तुम्हें कार को कार में तेरे से मैं जिन पे याद ना रहे, मगर औरतों ने हाजी जी को ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि तुम्हारी बेटी तो बड़ी नेक थी, घर में खुशबू आ रही है, अच्छे जिन्ना उठा के ले गए अच्छे, कोई ताबी। मैंने कहा हाजी जी थोड़ी असल तो रखो, अगर अच्छे होते तो इतना घिनौना काम क्यों करते भाई। बोले हाँ ये बात तो है। मैंने कहा चलो नमाज का टाइम, मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केट में जाती थी, बोले नहीं मजार पे जाती थी, बोले नहीं मैंने कहा बाजार में जाती, बोले हजरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकली। मैंने कहा यार इतनी अच्छी, और हाजी साहब झूठ भी नहीं बोले। मैंने कहा तुम्हारी बेटी में मोबाइल था, बोले हाँ मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो नमाज पढ़ते, दुआ करूंगा एक हफ्ते में पता चल जाएगा। एक हफ्ता नहीं गुजरा, बुलंद शहर से तस्वीर करके आ गए, पूछा क्या बात है हाजी साहब, पता चला बेटी का, बोले हजरत नाम कट गई है नाम, उसने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट
सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हौसियत मसलके आला हजरत अस्मते वालिदैन नारे तकबीर नारे रिसालत बेशक सुभान अल्लाह। ओ लोगों जो लड़की भोजपुरा के करीब इस बस्ती से निकल के कभी बाहर नहीं गई तो उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? दो जवाब, दो जवाब। हाँ शाबाश। उसके पास गोवा का चाल चलन कैसे आया? जरा बोलो। उसके पास यहूदियों का तरीका फिल्म बनाने वालों का तरीका कहां से आया? जो लड़की बस्ती से निकल के नहीं गई आज उसकी आस्तीन कैसे कटी गला कैसे चिरा? माँ बाप है ना ये बेचारे इतने सीधे साधे भोले वाले, मगर फिर मैंने वो अब भोले वाले नहीं कहो मतलब ये जान बूझ के अंधे बने पड़े, जान बूझ के बहरे बने पड़े। तुम्हारे यहां शादी होती है मुझे बोले बोलते हो ना डर क्यों? शादी होती है उसमें औरतें भी होंगी। अगर 100 औरतें हैं एक के भी ढंग के कपड़े मिलेंगे? किसी की चुटिया ये खूंटा पड़ा वो बड़े बड़े पैंचे वाली हो झाड़ू मार के रही हो तो ये तुम नहीं देख रहे हो? तुम्हारी बेटी की बांहें यहां तक दिख रही है? नहीं देख रहे हमारी बेटी का गला कहां तक चिरा पड़ा? जानबूझ के अंधे बने नहीं बने बोलो? जानबूझ के बहरे सुम्मुन बुक्कुन हमियों बने नहीं बने बोलो? अब कोई हकवात बोलने वाला नहीं। कहां है वो बाप, कहां है वो माँ? नबी ने फरमाया सबसे पहले मदरसा माँ की गोद है, माँ है माँ। इस माँ से बेटी को दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया गया? माँ से बेटी को अच्छा बेचारी ये क्यों उड़ाएगी? जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ तो बच्चे का क्या हुआ? ये भी तो हजरत 40 साल की बुढ़ी अधेड़ हो गई, अधेड़ मगर इसकी सुकनिया भी नहीं छूट रही। वो सुकनिया 40 साल की मुश्किल से 80 साल हो रही है, पता नहीं है एक लम्हे का भी हजरत मुश्किल से 80 साल हो रही है, आज ही तो गुजर गई मगर इसका मैकअप अब भी वो पंख खड़े कर रही है, पंख बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। अरे कब सुधरेंगे हम? खाली हंसी में मत डालो मेरी बातें, दिल पे लेके जाओ। मां अपनी बेटियों को मदरसे में भेजे खुद भी पढ़ाए, अल्लाह अल्लाह अगर मदरसे में पढ़ेगी तो उसे मालूम होगा अगर कोई बेटी रात को सूरह वाकया तीन मर्तबा पढ़ के सो जाए और दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। जो बेटी उसकी माँ की तबीयत खराब है, माँ के मारे रो रही है, भाई के मारे रो रही है, शार के मारे रो रही है, बच्चों के मारे तड़प रही है, अगर तुम उसकी घुटनी में इस्लाम की बातें दोगे तो दवा बाद में याद आएगी, पहले अल्लाह का कलाम याद आएगा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। तुमने उन चीजों से दूर रखा ना, वो शैतान हाथ में दे दिया, एक इंच का फायदा नहीं है लड़कियों को मोबाइल से। चलो अगर किसी की बच्ची पढ़ रही है मान लो, या किसी पे मोबाइल है तो इसमें अच्छी चीजें देखो, मगर काय को अच्छी चीजें? यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले वो गंदे गंदे फोटो बुरी बुरी चीजें सब सामने आ जाए, बोलो नहीं कैसा? और छोटे छोटे बच्चे इतने इतने बच्चों की जिंदगी इस माँ बाप ने बर्बाद कर दी। जिम्मेदार हजरत ये माँ बाप न स्कूल में भेज सकता न मदरसे में भेज सकता, मोबाइल 15,000 का थमा दिया, उधर उधर कोने पे बैठे दो चार उधर बैठे, कोई शेख चिल्ली देख रहा और कोई कुछ देख रहा, कोई कुछ देख रहा, कोई कुछ देख रहा, बस जिंदगी कट रही है, सोच रहा हमारे बच्चे
परेशान नहीं करे, बाहर पड़े शाम को खाना खाके सो जाते, इसका नाम जिंदगी समझ लो। बच्चों को पढ़ा हो सकता है तुम्हारी नस्ल में कोई डॉक्टर हो सकता है तुम्हारी नस्ल में कोई इंजीनियर हो सकता है तुम्हारी नस्ल में कोई मुफ्ती हो सकता है तुम्हारी नस्ल में कोई आलिम हो हाफिज हो कारी हो। कोशिश करो कोशिश आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। मगर कहां पढ़ाओ, मदरसे में तो भेजने को ये समझता बिल्कुल कहीं का नहीं रहे कहीं का नहीं रहे कहीं का बिल्कुल नहीं। अब जाऊंगा से अब जाऊंगा से बेटों को अपने पढ़ाती थी धुलाती थी मिलाती थी और रात रात लोरियां दे दे के सुला रही है, खाली बाल जीवन गुट्टी से ही पाल दिया समझे। कभी दूसरी दवा की जरूरत नहीं पड़ी, दर्द हुआ तो नमक उसमें तेल में लहसुन जलाया, अब मां मालिश कर करके पहलवान कर दिया पहलवान। पुराने लोगों से पूछो ये आज भी जवान के ना अगर थप्पड़ मार दे तीन कलबादी खा जाएगा तीन। मगर इन्होंने गलत हरकतों में नहीं थे, ये लोग कुश्ती लड़ते थे, अगर बैलों से नहीं खींच रही है ना तो ये भेली खाने वाला मुसलमान था, भेली कांधा लगा के गाड़ी को पार कर देने वाला मुसलमान था, और आज कूले हो गए सूट के टेंटे ही है, गाल गट्टे में बैठ गए, गालों में गट्टे बैठ गए, आंखों में गड्ढा है समझे, पैंट पीछे को सरकी जा रही है, घुटने में फटी पड़ी है समझे, नशे के कैप्सूल खा के हीरो हमारा हीरो, और बाल बालों में हमारा जैक जैसे सही के कांटे चलने आगे से चिड्ढा चिड्ढा, ये है आज का नौजवान हीरो बने गए क्यों, मोबाइल में गंदे फोटो मोबाइल में फिल्में देख देख के बर्बाद हो रहे हैं बर्बाद। ये बुजुर्गों से पूछो कभी अपने बाप के सामने, बाप को बाप बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पी सकते थे बड़े भाई के सामने, आज तो ये कह रहे आप पता मन लियो बेट बाप खुद मांग लेता अबे लगाइए जरा दो बीड़ी, बाप भी ऐसे बाप मांग लेता जरा सही होता कह लगाइए जरा दो बीड़ी ले बाप फिरा रहे आप पहले की माँ क्या माँ थी यार, हाँ और आज की माँ आप मुझसे पूछो अद्दी कैसी है बता दो, ये बता दो जैसे एक साल का बच्चा है बच्ची रात को सो रही है और जैसे ही बच्चा बच्ची रोई तो ये दूध लेने नहीं गई, बहुत अच्छी सुनो बेटा सुनो दूध लेने नहीं गई, बस पूंगा नींदी में ऐसे तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला और चलाया मोटू पतलू लगाए और तकिए पे खड़ा करा और बच्चे को पटकरा तू इधर मैं इधर बढ़िया भैंस चार ये अच्छी माँ तुम हंस रहे लेकिन यह के बाप कांटे की आ रही है अब सुनो मेरी बात, अगर तीन तालीम अपने घर में रखोगे तो हालात अच्छे होंगे मान लो, अगर मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची अगर उसका शौर थोड़ा बिगड़ा हुआ मिल गया अल्लाह अल्लाह वो किसी दूसरी औरत से या कहीं जाता गलत जगह पर, अब ये लड़की क्या करेगी स्कूल में पढ़ने वाली है वैसे ही पढ़ने वाली है वो तो मियाओं के पास भागती रहेगी दरागर जाती रहेगी, मगर ये जो मदरसे की पढ़ने वाली होगी इसके कुरान इसकी ताक में कुरान रखा होगा इसके सीने में कुरान होगा और इसे मालूम है पूरी दुनिया के अमल एक तरफ कुरान का अमल एक तरफ, ये औरत नमाज पढ़ेगी और फजर की नमाज पढ़ेगी सुन्नत और फर्जों के दरमियान 41 मरतबा अलहम्द शरीफ
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक बहुत हो। अरे पढ़ाके तो देखो, पढ़ाके देखो अगर तीन दौर होते हैं, तीन, एक दौर में ये बेटी रहेगी, जब तक बेटी रहे किसी की भी तो इस बेटी की वजह से घर में बरकतें होंगी। दूसरा दौर आएगा इसका बीबी का, जब तक किसी की बीबी बनकर रहेगी, जब तक घर में रहेगी रहमत बरकत रहेगी। तीसरा दौर आएगा इसका माँ बनने का, आए, आए, आए। और जब माँ बनेगी कदम कदमों के नीचे जन्नत होगी, आपके लिए बरकतों का सबब बन जाएगी। लेकिन बेटी हो तो, और अगर बेटी गलत है तो यही तीन ही दौर होते हैं, दौर को बिगाड़ करते हैं, बिगाड़। और है कि नहीं ऐसा? अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, बच्चियों को भी अच्छी तालीम दो, अपने घर का क्या राधा खत्म कर दू थोड़ा और अच्छा अच्छा तो ठीक, एक बात सुनो। नहीं बैठो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम जब नेपाल गए ना, नेपाल कहां गए तो एक हकीम जी हमारी बड़ी खिदमत कर रहे थे, उन्होंने मोबाइल में हमारी तकरीर सुनी, बड़ी खिदमत कर रहे थे वो हकीम जी, तो तकरीर में भी सामने बैठे सुनी। मैंने कहा हकीम जी ये बताओ यहाँ कौन सी चीज मशहूर है, तो भाई जो जिस खड़ा करेगा तो उसको वही बातें याद होती है, पहलवान से पूछो तो वो दाव बताएगा, चोर से पूछो तो वो चोरी बताएगा, शराब पीने वाले बताएगा तो पीने का ढंग बताएगा, जुआ खेलने वालों से पूछो तो वो बताएगा, मौलाना से पूछो, इमाम साहब से पूछो तो ये बताएंगे फजर में इतनी रकाते, जोहर में इतनी, असर में इतनी, कुरान में इतने पारे, नबी की इतनी बेटी, इतनी बेटी, ऐसे पढ़ोगे तो नमाज होगी, ऐसे नहीं पढ़ोगे नमाज होगी, ऐसे जन्नत, ऐसे जहन्नम, ये सारी बातें बताएंगे। तो इस बार हकीम जी से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या चीज मशहूर है, तो हकीम जी को अपनी हिकमत की माजून और फला चीजें सब किया थी उनको, तो बोले हजरत सलाजीत मशहूर है। सलाजीत बता दू क्या? सलाजीत पत्थर के आंसू, पत्थर के ऊपर जब श्वाय पड़ती है तो उस पे मोम निकलता है, मोम की तरह काली कर, बहुत ज्यादा ताकतवर होती है वो, चने के बराबर लेके उसके दो हिस्से करो, फिर एक हिस्सा उसको दूध से खाओ, घुटनों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता, खाने वाले के पूरी रात खड़े रहो कमर में दर्द नहीं होता। तो ये तो मैटर वहां नेपाल का था, लेकिन तुम्हारे यहाँ द्वारिया में क्या इन लोगों के सलाजीत तो हाथ नहीं लगी? अरे यार ऐसा तो नहीं है इन लोगों के सलाजीत हाथ तक के अल्लाह का बंदा थकते ही नहीं। और अच्छा ये दीवार भी बहुत मजबूत है, कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जैसे दीवार रोकने की खड़ा है, अरे बड़ी जल्दी बैठ गए तो भाई ये बात अच्छी नहीं। हाँ अब देखो आराम से बैठो, और अगर मैं दिखता ना हूं आपको खड़े होने में आसानी है तो खड़े हो भी सकते, हो भी सकते हो, किसी को तकलीफ नहीं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे सुनो, थोड़ा सा और बोलता हूं बढ़ा तू बात करो। अरे हाँ वो बात तो रही जा रही है, नबी ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह भला करे सही है सब चुला लेने का और बढ़ा दो थोड़ी, वरना ये बात रही जाती। बिल्कुल एक तो बता दिया मैंने, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, नंबर एक अराम कुली वालिदै, माँ बाप का नाफरमान, नंबर दो वमन तकदीर को झुठलाने वाला, बेशक सुभान अल्लाह। आपको अगर जाना मैं तो से जाए जा सकते, क्योंकि भाई मेजबान को सब मेहमानों को देखना पड़ता है ना, कौन जा रहा है, कौन दे रहा है, किसको खाने की जरूरत है, किसको, यदि तुम्हें वक्त दे रहा है आले रसूल से ये जाओ तो बड़ी बात है ना। और तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो,
आले रसूल के पीछे नमाज पढ़ते हो और फिर नाइब रसूल है, उलमा जो होते हैं कौन होते हैं बोलो, नाइब रसूल बारिश रसूल, समझे बारिश अंबिया, समझ में आ रही बात, ये लोग होते हैं, तुम लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो मैंने तीनों जल्दी बता दी, फिर रहना जाए बात छोड़ दूँ तो पता नहीं किधर को निकल जाओ, अल्लाह जो चाहता है वो ही बुलवा लेता है। अब मेरा ऐसा तो है नहीं कि मैं रट के आया हूँ, वही आंखें बंद करके धूं 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 करके चला जाऊं, मैं तो तुम्हें देख के बोलूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे। अब मैं वो बात उठा रहा हूं, देखो एक बात बताओ, तुम में कोई ऐसा है, मेरी बहनें बैठी हैं, मगर कैसे बताऊं, मगर बताने की तो जरूरत पड़ेगी ना, मसला कोई भी नहीं खा रहा मैं बट कोई बात नहीं, बैठने में ना वहां से दिखाई दे देता हूं मैं जो भी, नहीं नहीं तुम्हें जैसे सुकून लगे वो तो मैंने इसलिए कहा, अगर कोई बैठना चाहते बैठ सको ना खड़ा रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं, अच्छा लग रहा सुन रहा है ये बड़ी बात, सब मेरे भाई है जैसे जिसको अच्छा लगे, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से सुन रहा अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। देखो कोई भी ऐसा है क्या जो कितने बुरा इंसान हो, कितने बुरा इंसान हो मगर अपनी मां के साथ मुंह काला नहीं कर सकता, मेरा इशारा समझे, मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता, कोई है इतना गिरा हुआ इंसान जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, नहीं कर सकता ना। मगर मैं तुम्हें कई हदीसें सुना सकता था प्यारो, जब तुमने बुलाया है तो आखिरी दर्जे के हदीस सुना दो, इस हदीस को जब 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 आगे बढ़ो तब तब इस हदीस को सामने लाओ, जरा तवज्जो से सुनना, इंसान कितने गिर सकता, कितने गिर सकता मगर अपनी माँ पर गलत नजर नहीं रख सकता, अपनी माँ के साथ फेल शरी नहीं कर सकता ना, गलत काम नहीं कर सकता, गलत हरकत नहीं, मुंह काला नहीं कर सकता, बस मैंने कई वर्ड अब समझ गया ना सर, मगर मेरे नबी की हदीस प्यारो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूद का एक लुकमा खाता है, जो सूद खाते हैं, सूद समझ रहे ब्यास है? सूद खाते हैं, आका फरमाते हैं उस सूद का जो गुना होता है उसके 70 दर्जे, कितने, एक हदीस में है 73 दर्जे, दोनों हदीसें लेकिन कम वाली ले, चलो 70 वाली ले, 70 दर्जे, जैसे तुम जीने को चढ़ते हो ना, एक दर्जा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, एक छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे 70 दर्जे, ये कौन फरमाते नबी, सूद रिबा जो खाता है लेता है देता है, आका फरमाते उसके उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, और उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा उसका गुनाह ऐसा है जैसे मां के साथ बेटे का मुंह काला करना, लोग समझते नहीं तो यार यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, हजरत सैयद साहब कबला से इतनी मुलाकात भी नहीं हुई, ये तो बेचारे लाने ले जाने में थक रह के आ गए समझे, मगर अक्सर जगहों पे ऐसा होता है हजरत ये जुए का रिवाज बहुत बढ़ गया, मुझे तुम्हारे हालात तो पता नहीं मगर हाथ जोड़ के अल्लाह और रसूल के वास्ते अगर कोई ऐसा हो, क्या यार वो नौजवान है यार प्यारो, क्या वो नौजवान है जिसकी छोटी सी बच्ची है, छोटा सा इतना खूबसूरत बच्चे बीबी, उन बच्चों का दूध आ रहा तो इसके जुए के पैसे से, इसके हराम के पैसे से, वो बच्चे दूध पी रहे हराम के पैसे, बीबी के कपड़े बन रहे हराम, छोटी छोटी बच्ची फराक पहने हैं, छोटे छोटे जूते पहने, सारे हराम के, तू ये मत कहना निकल रहा है, खुद सोच रहा ये मत कहला निकला, तेरा एक लुकमा
चाय की पत्ती, शक्कर, दूध, आटा, चावल, मसाला, तेल, सारी चीजें सूट के पैसों से। जी जी, इतना नहीं गिरा नौजवान। बीबी को, बच्चों को खिला, आधी रोटी खिला, मगर खून पसीने की कमाई खिला। बेशक सुभान अल्लाह। आराम की कमाई से खिला है उस बच्ची ने, तेरा क्या बिगाड़ा है, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। बड़ा दुख होता है, बड़ा मुझे पता नहीं है प्यारो, आज तोबा कर लेना और आज के बाद छोड़ देना, भी अहद कर लेना, कसम खा लेना कि आज के बाद अगर अपनी बीबी को 50 रुपए का नहीं 1 रुपए का खिलाऊंगा, मगर अपने पसीने की कमाई करूंगा। बेटी को अगर दूध पिलाऊंगा तो पसीने की कमाई का पिलाऊंगा, वरना भूखा मर जाए, गवारा कर लूंगा। पालने वाला अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बेशक, तुम क्या समझ रहे हो, तुम बार बार जाए लारो पकड़ना, सट्टा खेलने वाला, जुआ खेलने वाला कहीं आज तक वालदा हुआ क्या? बिल्डिंग बना ली, एक दिन उसकी बीबी तक बिक जाती है, तोबा तो वाला कितना गद्दा इंसान हो गया। जुए ने अपनी बीबी को लगा दिया, डूब के नहीं मरा गया। अरे जब तेरे घर की इज्जत है उसको, ये बताओ मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं, ये बातें बताओ, बोले ये तकरीर करने कहां जाऊं। तुम मेरे भाई नहीं हो, मुसलमानों ही में तो करूंगा मैं, बोलो किस पे करूंगा, पंजाबियों में जाऊंगा, मुसलमानों। अरे कहां जाऊं तुम्हें तो बताऊंगा। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। शराब पीने लगे, मुझे यहां के बारे में कोई पता नहीं है क्योंकि इतनी मुलाकात ही नहीं मेरी समझे, मगर मैं तो कॉमन तकरीर कर रहा हूं ताकि कोई अगर ऐसा हो या उसके दोस्तों में हो तो उसको भी समझा लेता। शराब पीने लगा, शराब तौबा तौबा, कितना वैसे नारा लगाता, हजरत अली से प्यार करते हैं, आका से प्यार करते हैं, हुसैन पाक से, हजरत अली की जिंदगी तुमने देखी है क्या? ये सैयद साहब है, सारे सैयदों के दादा हजरत अली होते हैं, क्या तुमने उनकी जिंदगी देखी है? खाली नारा लगा दिया, मुझसे सुना मुझसे, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयसअलूनका अनिल खमर वल मैसर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सुभान अल्लाह, इस आयत की शान नुज़ूल देखो, कुरान में वाकया में लिखा हुआ मिलेगा। हजरत अली कहते क्या कहते सुनो, ओ शराब पीने वाले जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, किसी की बहन बेटी को तकने वालों, सुनो हजरत अली क्या कहते ये भी सुन लो। हजरत अली कहते अगर किसी तालाब में, तालाब में जिसमें पानी हो, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, तवज्जो है हमारी साहिब सब बोला, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, हजरत अली कहते सुनो अगर वो पानी वहीं पे खुशक हो जाए, और अब जमीन दिखने लगी, उस जमीन पे घास उग आए, घास जम जाए, हजरत अली कहते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा करके पेट भर ले। आका अली कहते अली बोए उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कितनी जगह बदला, पानी में शराब, जमीन में पानी,
जमीन पे घास, घास बकरियों के पेट में, उससे दूध बना। आए आए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आका अली कहते हैं, क्या कहते हैं, अली वो है जो उन बकरियों का दूध भी नहीं पिया। और तुम डायरेक्ट गटर गटर कर रहे हो, लोग बियर पी रहे, बियर घोड़ा का मुंह, और बात उस पर लिखते थे जौ का पानी और ये पानी और वो पानी। अरे अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन से पानी निकाला, फ्रेश पानी, उसको पियो, सुबह को जाओ काम करने, मां से सर पे हाथ रखो, बाप से सर पे हाथ रखो, शाम को आओ, मां बाप को मोहब्बत से प्यार से देखो,